आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा, जिसके लिए मैंने 4 स्लाइस ब्रेड ली है, 1 कटोरी बेसन है। 1 कटोरी बेसन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा भाग या तो कॉर्न फ्लोर डाल दें या अरारोट डाल दें। मैंने 2 चम्मच अरारोट लिया है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं और एकदम से बिल्कुल फ्रेश रहते हैं काफ़ी देर तक। और इसमें डालें थोड़ी सी हींग और स्वादानुसार मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अब पकोड़े बना रहे हैं तो अजवाइन जरूर डालें, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और पानी की सहायता से हम इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और घोल बना लेंगे। बेसन को अच्छे से बीट कर लें, जैसे कि जब हम पकोड़े बनाएंगे तो फूले फूले और मुलायम बनेंगे। मैंने बेसन का ऐसा घोल बनाया है, ये रनिंग कंसिस्टेंसी है बस। अब हम ये बिल्कुल बैटर तैयार है, अब हम पकोड़े बनाएंगे। ब्रेड की कटिंग कर लें, बीच में से 2 स्लाइस कर लें। मैं इसको डबल कर रही हूँ, मैं डबल बनाऊँगी। बेसन के घोल में अब हम इसको डिप करेंगे और फिर इसको तेल में फ्राई करेंगे। देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा कैसे फूल गया है। अब इसको टर्न ओवर कर दें और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। हमारा क्रिस्पी शानदार ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये ब्रेड मैंने इसके 3 स्लाइसेस लिए हैं, मैं एक ब्रेड के 4 स्लाइस बनाऊंगी। ये बहुत अच्छे ऐसे बनते हैं और फटाफट से, इनको छोटा छोटा टुकड़ा भी नहीं करना पड़ता, आप ऐसे ही टमाटो केचप लगाएं और खा लें। इसके लिए 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच अरारोट, पानी घोल बनाने के लिए, चाट मसाला, हींग, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, सौंठ पाउडर, तेल तलने के लिए जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो ब्रेड है उसकी 4-4 स्लाइसेस बना लेते हैं।
अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं जिससे हम अपने ब्रेड पकौड़ा तैयार करेंगे। ये सब मसाले स्वादानुसार हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। ये ज़्यादा थिक नहीं करना, पतला घोल होता है क्योंकि हमें बेसन की बिल्कुल पतली कोटिंग चाहिए ब्रेड के ऊपर, ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं चाहिए। बैटर तैयार है ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। जब भी आप बेसन को घोलें उसको अच्छे से बीट कर लें 2 मिनट तक, जिससे क्या होता है बेसन हल्का हो जाता है और हमारे जो पकोड़े हैं वो मुलायम और फूले फूले बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है, इसको हाथ से ऐसे कर लें और ये भी इसके अंदर डाल दें, इससे इसकी बहुत अच्छी ब्रेड पकौड़ा में खुशबू आएगी। अब हमारा बैटर पकौड़े बनाने के लिए परफेक्ट है। अब एक एक बेसन के स्लाइस को बेसन में डिप करें, ब्रेड के स्लाइस को, और इसके अंदर गरम तेल में डालते जाएं। हमारे पकौड़े देखें कैसे कितने फूले फूले बन रहे हैं। अब इसकी दूसरी साइड चेंज कर दें और उधर से भी क्रिस्पी बना लें। हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हैं। चटनी के साथ, चाय के साथ इसको सर्व करें और एंजॉय करें।